दोस्तों, आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए अपने सिम को तो रिचार्ज करना पड़ता है ना, चाहे आप पीसी में करो या मोबाइल में यूज़ करो, लेकिन सिम को तो रिचार्ज करना पड़ता है या वाईफाई को रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन आपको बहुत ही बड़ा एक झटका मिलने वाला है। जी हाँ, एयरटेल ने कुछ दिन पहले बताया ये है कि प्राइस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है, 20% या 25% इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब आप पहले से आप रिचार्ज को थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और उस टाइम कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई तो क्या हुआ, हम एयरटेल सिम को पोर्ट करके जियो में चले जाएंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जियो ने भी अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है 20%। तो मेरे पास जियो और एयरटेल का दोनों लिस्ट है, जो पुराना वाला जो रिचार्ज का प्लान है और नया वाला कितना हुआ है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे पता है बहुत लोग ये जानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक नहीं जानते हैं। तो ये कब से लागू होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप एक जियो यूज़र है तो 500 से 600 रुपया कैसे बचा सकते हो, इस वीडियो में मैं वही भी बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले एयरटेल का लिस्ट दिखा देता हूँ कि पुराना वाला रिचार्ज का प्लान जो था ना, उसको इंक्रीज़ करके कितने कन्वर्ट कर दिया है, कितना पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं सब नहीं बताऊंगा, जो फेमस प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ, एयरटेल का मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एयरटेल का जो ओल्ड प्लान है ना, 79 रुपीज़ का है, 28 डेज़ का रहेगा, वो आप कन्वर्ट करके 99 रुपीज़ में कर दिया है। ठीक है, सेम डे मिलेगा, लेकिन आपको 99 रुपीज़ देना पड़ेगा, जबकि पहले था 79 रुपीज़ और एक था 149 28 डे के लिए, वो कर दिया है 179 रुपीज़। ठीक है, ये एक फेमस रिचार्ज प्लान था 249 28 दिन के लिए, ये अब कर दिया है 299 कर दिया है। ठीक है, 299 कर दिया है, सेम डे रहेगा, 1.5 GB आपको मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। और एक प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए 399 का, ये 56 डे का है, लेकिन इसको आप एक इंक्रीज़ करके 479 कर दिया है, 1.5 GB। ठीक है, मतलब आप 25% इंक्रीज़ कर दिया है। ये लिस्ट आप देख सकते हो, पहले वाला प्लान ये था और ये न्यू वाला प्लान ये देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है एयरटेल की तरफ से। अब मैं दिखा देता हूँ कि जियो का क्या हुआ, जियो ने भी अपने प्लान को तो इंक्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जियो का सबसे फेमस प्लान था 199 रुपीज़ का, जो 28 दिन के लिए होता है, वो अब कर दिया है 239। यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम डे मिलेगा, सेम डेटा मिलेगा आपको, 1.5 GB मिलेगा, 28 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ करके 239 कर दिया है। और एक जियो का फेमस प्लान था 399 का, 56 डे के लिए, वो अब कर दिया है 479, सेम डे मिलेगा और 1.5 GB मिलेगा और 56 डे के लिए मिलेगा, ये भी इंक्रीज़ कर दिया है। और एक साल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, 239 पहले था, अब यहाँ पर कर दिया है 2879। तो यहाँ पर आपको 400 या 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन हर किसी को अभी पता नहीं, जब नेक्स्ट रिचार्ज आप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है और रिचार्ज को इंक्रीज़ कर दिया गया है, तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये डेट 1 दिसंबर से लागू होगा, तो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एक साल के लिए रिचार्ज करके 500 रुपीज़ तक बचा सकते हो। लेकिन ये 1 दिसंबर से पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, 1 दिसंबर के बाद में आप रिचार्ज करोगे तो ज़्यादा पैसा देकर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अब एक्स्ट्रा रिचार्ज करने वाले हो या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कितने रुपीज़ का रिचार्ज करते थे पहले वो भी कमेंट में बताना। तो आई होप इस वीडियो को देखकर कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।